our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हैं आप लोग? I hope you're doing well guys. So guys, ये haul होने वाला है मेरा Meesho का बहुत ही affordable blouse, bridal blouse haul. एंड ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी ये वाला हॉल करने का, लेकिन कर नहीं पा रही थी. एंड गाइज, मैंने आज तक ब्लाउज का हॉल नहीं बनाया है, तो ये हॉल मेरे लिए काफी नया होने वाला है, काफी यूनिक होने वाला है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ब्लाउज का हॉल बनाया ही नहीं है. और ये हॉल होने वाला मेरा ब्राइडल ब्लाउज हॉल फ्रॉम Meesho. एंड काफी अफोर्डेबल है एंड सारे रेडी टू वियर है, बस आपको थोड़ा सा ऑर्डर करा के पहनना होगा, अंडर बजट है, ठीक है. एंड मैंने ऑर्डर किया लगभग 13 ब्लाउज फ्रॉम Meesho. लेट मी शो यू. तो गाइज, तो मैंने ऑर्डर किए इतने सारे ब्लाउज एंड बहुत ज्यादा प्रिटी प्रिटी हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. दिस ब्लाउज यू कैन सी ऑन पिक्चर, बहुत ज्यादा सुंदर सा ब्राइडल काइंड ऑफ ए ब्लाउज है. 400 अराउंड प्राइस पड़ी होगी, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी. साइज इसकी भी 36 अवेलेबल है. एंड यू कैन सी गाइज कितना ज्यादा प्रिटी है इसका. यहाँ पे इसका स्लीव देख सकते हो, बहुत ज्यादा सुंदर है. वेलवेट काइंड ऑफ ए मटेरियल है एंड ब्राइडल ब्लाउज काइंड ऑफ, जो मैं लिखा हुआ था उस पर वो एग्जैक्ट वैसा ही ब्लाउज मुझे रिसीव हुआ है. बहुत सुंदर सा इसका वर्क है यहाँ बाजू का, एंड पीछे आप देख सकते हो बैक कितनी ज्यादा सुंदर है. बहुत ज्यादा सुंदर सा बैक है इसका, एंड ये लटकन भी दी हुई है. काफी प्रिटी लगी, बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल थी, तो आप जो चाहो वो कलर इसमें मिल जाएगा. एंड आप इसका देख सकते हो कितना सुंदर सा ये लटकन लगा हुआ है. ये बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था, ब्राइडल काइंड ऑफ ब्लाउज जैसा इन्होंने बोला था बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्ट मुझे रिसीव हुआ है. पर्सनली इससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा अच्छा आएगा. एंड इसमें पैड भी लगी हुई है, काफी अच्छी क्वालिटी की पैड लगी हुई है. एंड इसका बैक भी काफी ज्यादा डीप है, एंड इसमें यहाँ पे ये नॉट भी दी हुई है बहुत अच्छी सी. बहुत पर्सनली पसंद आई है मुझे, एंड क्वालिटी वाइज ये बहुत वर्थ इट है मेरे अकॉर्डिंग. एंड ये मैं रिकमेंड भी करूंगी, आप लोग एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो, फिर पसंद आए या ना आए वो अलग मैटर है, बाकी आप इसे जरूर ट्राई करना. तो मैं बिना टाइम वेस्ट के पहले इसे पहन के भी दिखाती हूँ ये एक्चुअली में लगती कैसी है. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand. Then have this blouse, बहुत ज़्यादा pretty है. एंड प्राइस इसकी मुझे 451 पड़ी थी, ये भी 36 ऑल्टरेबल है. एंड आप देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर और प्रिटी ब्लाउज है ये. मैं इमेजिन भी नहीं कर रही थी कि इतना ज्यादा अच्छा आ जाएगा. इसका वर्क आप देख सकते हो, मिरर काइंड ऑफ ए वर्क है. एंड यू कैन सी, आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्रिटी तो लग ही रहा है, एंड इसका मिरर काइंड ऑफ ए वर्क है, एंड मिरर चुभने वाली भी नहीं है. काफी अच्छा सा क्वालिटी प्रोडक्ट का मुझे लगा. इससे ज्यादा तो स्टिचिंग लग जाता है आजकल जितना का मैंने ब्लाउज ऑर्डर किया. एंड ये है इसका बैक, बहुत सुंदर सा बैक है, काफी डीप बैक है. एंड फ्रंट साइड भी बहुत ज्यादा सुंदर है. स्लीव इसका बहुत कम है, थोड़ा सा स्लीव है, एंड 36 ऑल्टरेबल है. एंड यहाँ पे पीछे बैक साइड में लटकन भी दी हुई है. काफी पर्सनली मुझे ये कलर बहुत ज्यादा पसंद है. एंड इसमें काफी अच्छी सी पैड भी लगी हुई, आप यू कैन सी. बहुत अच्छा सा फिनिशिंग है इसका, काफी अच्छे से इन्होंने दिया है, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है ये. वन ऑफ द फेवरेट तो लग ही रही है. एंड सिर्फ ये एक ही कलर में अवेलेबल थी, काफी प्रिटी सा पैरोट ग्रीन काइंड ऑफ ए कलर है, मेहंदी ग्रीन काइंड ऑफ ए कलर है. एंड पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा सुंदर तो ये लगी है. एंड पता नहीं इसे पहनने पे कैसी लुक आने वाली, तो मैं पहले इसे पहन के ही दिखा देती हूँ कि लगती कैसी है. पिक्चर में जो कलर दिख रहा था वैसा ही कलर है मुझे रिसीव हुआ है.
मगर ये 36 ऑल ट्रेबल मैंने ऑर्डर किया है एंड ये बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब मैंने सोचा नहीं, बाकी सारे ब्लाउज बड़े आए हैं लेकिन ये थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को। एंड आप देख सकते हो फुल स्लीव काइंड ऑफ पे है ये, फुल स्लीव एंड स्लीव इसका बहुत ज्यादा सुंदर लग भी रही है। एंड यू कैन सी बहुत सुंदर सी इसकी फुल स्लीव है। पर्सनली ये ब्लाउज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कलर इसका बहुत सुंदर है, गोल्डन काइंड ऑफ वर्क है इस पे एंड पर्पल कलर आप कह सकते हो। एंड पीछे का बैक कुछ इस टाइप का दिखता है, बहुत सुंदर सा बैक है। पीछे यहाँ नॉट भी दी हुई है इसको एडजस्ट करने के लिए, पैड भी लगी हुई है आगे में, आप देख सकते हो पैड भी लगी हुई है काफी अच्छी सी। एंड बहुत ज्यादा पर्सनली मुझे पसंद है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी है। प्राइस इसकी 500 अराउंड पड़ी है एंड पैड भी काफी अच्छे क्वालिटी का लगाया इन्होंने। एंड बहुत ज्यादा पर्सनली मुझे ये ब्लाउज पसंद आई है, आप देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना ज्यादा सुंदर है। एंड बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल थी, एक येलो कलर में भी ये अवेलेबल थी, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। एंड मुझे वो भी मन था ऑर्डर करने का मगर मैंने एक ही ऑर्डर किया। एंड गाइस मैं इसे भी पहन के दिखा देती कि ये लगती कैसी है। A heart beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. And then have this blouse, बहुत ज़्यादा सुंदर सी ब्लाउज है। एंड आप देख सकते हो काफी ज्यादा इसका वर्क मुझे यूनिक लगा, काफी यूनिक सा वर्क है इसका। बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल थी एंड बहुत काफी यूनिक नहीं लग रहा इसका फ्रंट से है इसका ये वाला क्या बोलते हैं इसको हुक, हाँ इसका हुक फ्रंट से दिया हुआ है एंड काफी यूनिक लगा मुझे ये पर्सनली। ये भी ब्राइडल काइंड ऑफ है, आप कह सकते हो ब्राइडल काइंड ऑफ वर्क है इसका, बहुत ज्यादा सुंदर है एंड बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल है ही। बहुत ज्यादा सुंदर सा इसका स्लीव लग रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर सा इसका इसका नेक का यहाँ पर का डिजाइन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड इसमें पैड भी लगी हुई थी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइज, यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है आज। एंड यहाँ पे ये है इसका बैक का डिजाइन, बैक का डिजाइन भी बहुत ज्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो कितना सुंदर सा बैक का डिजाइन है। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा ये ब्लाउज एंड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, वेलवेट काइंड ऑफ ए मटेरियल था। पर्सनली मुझे सारे ब्लाउजेस बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, ये भी बहुत यूनिक ब्लाउज है एंड मैं बिना टाइम वेस्ट के पहले इसे पहन के दिखा देती हूँ लगती कैसी। एंड यू कैन सी बहुत ज्यादा सुंदर है ये, जैसा पिक्चर में दिखाया था एग्जैक्ट वैसा ही है। एंड प्राइस मुझे वही 400 राउंड पड़ी होगी, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। एंड बहुत ज्यादा सुंदर सा कलर है इसका, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। एंड 36 ऑल्टरेबल साइज है एंड थ्रेड काइंड ऑफ ए वर्क है, बहुत सुंदर सा वर्क है ये, काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। बॉटल ग्रीन साड़ी पे भी ये बहुत अच्छी लगेगी या फिर कोई कॉपर काइंड ऑफ ए कलर का साड़ी पे भी ये बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी ब्लाउज, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई है। मैंने जितनी ब्लाउज ऑर्डर किए सारे बहुत अच्छा, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअली में बहुत अच्छी है। मीशो ने इतनी अच्छे अच्छे ब्लाउज मतलब निकाले हैं एंड बहुत ज्यादा अच्छे हैं भी ये रियलिटी में। एंड इतना तो टेलर ही ले लेता है, 500-600 तो एक नॉर्मल ब्लाउज का प्राइस होता है, इतने में ये इन्होंने रेडी टू वियर ब्लाउज दिया तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड इसका बैक कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, बैक भी काफी ज्यादा अच्छी है, बैक भी काफी ज्यादा डीप नेक है एंड इसमें भी नॉट दी हुई है बहुत अच्छी सी। एंड आप इसका वर्क देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा सा वर्क है इसका। एंड इसमें पैड भी लगी हुई है, सारे ब्लाउज में पैड लगा हुआ है, रेडी टू वियर ब्लाउज कह सकते हो आप इसको। एंड मैं बिना टाइम वेस्ट के पहले इसे पहन के दिखा देती हूं लगती कैसी। A heart beat to the city streets, we
began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. And then her this blouse, oh my god, बहुत आ सुंदर सा royal blue kind of a color कह सकते हो, and बहुत प्यारा सा blouse है ये, बहुत सुंदर है आप देख सकते हो, and बहुत सारे colors में ये available थी, सारे colors में लगभग ये available थी, and मुझे ये color बहुत ज़्यादा unique लगा, and इसलिए मैंने order कर दिया, लेकिन इसका material velvet kind of a material कह सकते हो, and sleeve का work आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा, पूरा designer kind of a blouse है, एंड नेक भी बहुत सुंदर है, पैड भी लगी हुई है इसमें, एंड प्राइस वाइज स्क्रीन पर मैं लगा दूंगी, एंड साइज 36 अवेलेबल है, एंड पीछे का भी बैक आप देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, इसमें भी नॉट दी हुई है बहुत अच्छी सी, मटेरियल इसका काफी ज्यादा अच्छा लगा, वेलवेट है मगर बहुत अच्छा लग रहा है इसका मटेरियल, एंड इसका स्लीव भी बहुत सुंदर है, यू कैन सी स्लीव बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, एंड पर्सनली ये भी ब्लाउज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, एंड सारा मैंने 36 ऑल्टरेबल ऑर्डर किया है, एंड सारा प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा आप चेक कर लेना, एंड कमेंट बॉक्स में भी होगा आप चेक कर लेना, ठीक है, एंड बहुत सुंदर है ये भी, एंड मैं बहुत डर रही थी ये वाला हॉल करने के लिए, क्योंकि मैंने आज तक कभी ब्लाउज हॉल किया ही नहीं है, पता नहीं कैसा होगा, आई डोंट नो, बट मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया है मैंने इस हॉल में भी, क्योंकि थोड़ा सा ये सब ऑल्टर करना पड़ा है, क्योंकि बिना ऑल्टर किए मुझे नहीं आएगा पर्सनली, क्योंकि 34 साइज है मेरा और मैंने सारा ऑर्डर किया 36, और क्योंकि 34 में सारे अवेलेबल नहीं थे और 36 में सारे अवेलेबल थे, तो आप ऑल्टर करा के आप इसे पहन सकते हो, ठीक है, और पर्सनली मुझे सारा पसंद तो आया ही है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट के पहले इसे पहन के भी दिखा देती हूँ कि लगती कैसी। बहुत ज्यादा सुंदर सा मुझे ये रिसीव हुआ है, एंड मैंने सारा ऑर्डर किया है लगभग 36 ऑल्टरेबल साइज, एंड यू कैन सी द ब्लाउज गाइस, बहुत ज्यादा सुंदर है, जैसा पिक्चर में दिखाया था वैसा ही था एग्जैक्टली, एंड बहुत ज्यादा प्रिटी तो है ही ये, एंड मैं सारा का प्राइस सामने लगाती जाऊंगी पिक्चर पे ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एंड सारा का साइज मैंने 36 ऑल्टरेबल मंगाया है क्योंकि 34 में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं था, एंड आप थोड़ा सा ऑल्टर करके इसे पहनोगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ये है मेरा बहुत सुंदर सा ब्लाउज, आप देख सकते हो कितना सुंदर सा वर्क है इसका, एंड यू कैन सी इसका नेक काफी ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा सुंदर सा है, पैड भी लगी हुई है इसमें काफी अच्छी क्वालिटी की, एंड स्लीव कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक का स्लीव आएगा इसमें, एंड पर्सनली ये बहुत ज्यादा सुंदर लगा, बहुत सारे कलर्स में भी ये अवेलेबल था, यू कैन सी बहुत ज्यादा प्रिटी तो लग ही रहा, काफी मल्टी कलर काइंड ऑफ ए ब्लाउज है ये, एंड बैक कुछ इस टाइप की लगती है, बहुत ज्यादा प्रिटी सी बैक है, एंड ये है इसका लटकन, लटकन भी बहुत ज्यादा सुंदर सा इन्होंने दिया है मुझे, एंड पर्सनली ये ब्लाउज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, अगर आप इसे थोड़ा सा ऑर्डर करा के पहनोगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, एंड गाइस सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एंड आप कमेंट करोगे तो मैं कमेंट में भी सारा लिंक डाल दूंगी, ठीक है, एंड आप देख सकते हो बहुत ज्यादा प्रिटी ब्लाउज है ये, क्वालिटी वाइज भी बहुत ज्यादा सही है, मुझे इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा सही लगी, एंड मैं बिना टाइम वेस्ट के पहले इसे पहन के दिखा देती हूँ कि लगती कैसी है। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. मैंने ऑर्डर करी है दिस ब्लाउज, यू कैन सी
ओह माय गॉड, आप देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर सा ब्लाउज है एंड व्हाइट काइंड ऑफ ए ब्लाउज कह सकते हो। फुल स्लीव है इसका भी, 36 ऑल्टरेबल साइज है, ये भी काफी बड़ी है, मगर मैंने बहुत ज्यादा सुंदर सा ब्लाउज ऑर्डर किया। आप देख सकते हो मल्टी कलर भी कह सकते हो एंड व्हाइट में कलर बहुत सारे यूज किया है इन्होंने एंड बहुत हैवी काइंड ऑफ ए ब्लाउज है, ये भी ब्राइडल ब्लाउज आप कह सकते हो। काफी डिजाइनर ब्लाउज मैंने ऑर्डर किए हैं मीशो से एंड यू कैन सी इसका लटकन बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। एंड बैक आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का दिख रहा है, बहुत सुंदर सा डीप काइंड ऑफ ए नेक है बैक का एंड पर्सनली मुझे ये भी बहुत ज्यादा पसंद आई, चुभने वाली बिल्कुल नहीं है ये, आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। एंड इसमें भी पैड लगी हुई थी एंड क्वालिटी वाइज मुझे बिल्कुल वर्थ इट लगती है, मुझे पर्सनली ये भी ब्लाउज बहुत ज्यादा पसंद आई, बहुत सुंदर सा कलर यूज किया है इन्होंने इसलिए। एंड प्राइस मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी तो आप चेक कर लेना, ठीक है गाइस। एंड सारा प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर, ठीक है। एंड मैं इसे भी पहन के दिखा देती हूँ ये लगती क्या। सुंदर सा ब्लाउज है, ये ब्लैक कलर का है, सीक्वेंस काइंड ऑफ ए ब्लाउज है एंड इसमें दी हुई है पैड, आप देख सकते हो पैड लगी हुई है एंड साइज आपको स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी। प्राइस भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, पीछे एक डोरी दी हुई है, सिंपल सी एक डोरी दी एंड वी नेक काइंड ऑफ इसका शेप है ब्लाउज का, काफी ज्यादा प्रिटी लगी मुझे पर्सनली एंड इसकी क्वालिटी पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, तो मैं इसे पहन के भी दिखा देती हूँ ये कैसी लगी। दिस ब्लाउज बहुत सुंदर सा ग्रीन काइंड ऑफ ए कलर का ब्लाउज है, आप देख सकते हो स्लीव कुछ इस टाइप की दी हुई है, इसकी वर्क काफी ज्यादा सुंदर है, वी नेक काइंड ऑफ ए नेक है इसका एंड पीछे से बैक कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, बहुत सुंदर सा बैक है एंड बहुत सुंदर सा बैक है इसका। पर्सनली ये ब्लाउज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, साइज मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी एंड प्राइस भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी एंड पर्सनली इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी, कम्फर्ट थी एंड प्राइस भी ज्यादा नहीं है इसका, तो मैं इसे पहन के भी दिखा देती हूँ कि ये कैसी लगती है। पिक्चर में दिखाया था एग्जैक्ट वैसा ही ब्लाउज मुझे रिसीव हुई है एंड यू कैन सी द स्लीव गाइस, बहुत प्यारी सी स्लीव है, नेवी ब्लू काइंड ऑफ ए कलर है एंड यू कैन सी द स्लीव गाइस, बहुत प्यारी सी स्लीव है, वर्क भी बहुत ज्यादा सुंदर है, पता नहीं कैमरे में कैसे दिख रहा होगा बट रियलिटी में ये बहुत ज्यादा सुंदर है। नेक भी इसकी काफी ज्यादा डीप है, बहुत अच्छी लग रही है इसकी नेक एंड मटेरियल वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे का बैक, तो पीछे का बैक कुछ इस टाइप का दिखता है एंड इसमें भी ये नॉट दी हुई है टाइट करने के लिए एंड परफेक्ट लग रहा है मुझे ये ब्लाउज, बहुत सुंदर सा इसका बैक का डिजाइन है, बैक काफी ज्यादा डीप है एंड पर्सनली मुझे ये भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, जैसा मैंने पिक्चर में एक्सपेक्ट किया था वैसा ही ये मुझे रियलिटी में मिला है एंड प्राइस स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे तो रिसीव हुए ही है लेकिन मैं इसे साड़ी पे नहीं पहन रही हूँ, जीन्स पे पहन रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको पता नहीं चलेगा ये एक्चुअली में कैसे लगता है लेकिन ये रियलिटी में बहुत ज्यादा सुंदर है, थोड़ा सा साइज बड़ा है, मैं इसे थोड़ा सा ऑल्टर करा के पहनूंगी, मगर इसलिए मैं 36 ऑल्टरेबल मंगवाई हूँ ताकि सब कुछ ऑल्टर करा के पहने, आप खुद भी ऑल्टर कर सकते हो और टेलर से भी ऑल्टर करा सकते हो, तो मेरे को ये पर्सनली बहुत पसंद तो आई है, तो मैं पहले इसे पहन के दिखाती हूँ ये लगती कैसी।
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Then had this ब्लाउज बहुत ज़्यादा सुंदर सा है, साइज 36 मैंने ऑर्डर किया, 34 ऑर्डर किया होता तो परफेक्ट साइज आता मुझे। एंड बाजू इसका आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा सा बाजू है। साइज अगर परफेक्ट होता तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसमें भी पैड दी हुई है, बहुत अच्छे से पैड लगाया हुआ है इन्होंने। एंड बैक डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, आगे से बहुत ज़्यादा सुंदर तो लग ही रहा है। प्राइस इसका 300 अराउंड पड़ा है। बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल थी, लिटरली बहुत सारे कलर्स में थी। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा फिनिशिंग है इसका, बहुत अच्छा फिनिशिंग है। बस इसको थोड़ा सा ऑल्टर करा के पहन लेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। वैसे भी 300 अराउंड में कहाँ कोई ब्लाउज होता है, ब्लाउज पीस ही हो जाता है उतना का तो। एंड पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसे पहन के दिखा देती हूँ ये कैसी लगती है। एंड ये भी मैंने मरून ऑर्डर कर दिया, लेकिन ये बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल थी। मुझे ब्लैक करना चाहिए था शायद, क्योंकि ये ब्लैक में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मैंने देखा है। एंड आप देख सकते हो कितना सुंदर ब्लाउज है, इसका भी स्लीव कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, बहुत सुंदर सा थ्रेड काइंड ऑफ ए वर्क है। एंड थोड़ा सा स्टोन भी लगा हुआ है, थोड़ा सा डीप सा नेक है, ब्राइडल काइंड ऑफ ए ब्लाउज आप कह सकते हो। प्राइस स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी, 36 ऑल्टरेबल है इसका भी। एंड नेक आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा सा डीप काइंड ऑफ नेक है। एंड पैड भी लगा हुआ है इसमें भी। एंड आप देख सकते हो इसका बैक डिज़ाइन कुछ इस टाइप का है, नॉट भी दिया हुआ है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये भी ब्लाउज, एंड वेलवेट काइंड ऑफ ए मटेरियल लग रहा था ये। आप देख सकते हो इसमें पैड भी लगा हुआ है, एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पहनने में भी कंफर्टेबल लग रही थी ये। एंड काफ़ी वर्थ इट लगता है मुझे ये वाला ब्लाउज भी, काफ़ी वर्थ इट है, ब्राइडल काइंड ऑफ आप कह सकते हो। एंड बिना टाइम वेस्ट के पहले मैं इसे पहन के दिखा देती हूँ कि लगती कैसी है। तो ये था मेरा आज का हॉल, मीशो ब्लाउज हॉल, ब्राइडल एंड डिजाइनर ब्लाउज हॉल। एंड बहुत ही सारे अच्छे ब्लाउज थे, बहुत सुंदर थे, बहुत अफोर्डेबल थे। एंड एक बार आप जरूर ट्राई करना मेरे कहने पे, मेरे रिकमेंडेशन पे, ठीक है। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई गाइस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगी है वीडियो शूट करने में, क्योंकि ब्लाउज हॉल मेरे लिए काफी नया था, मैंने आज तक अभी ब्लाउज हॉल नहीं किया है, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। ओके बाय, लव यू।